big hello and a very warm welcome to this session of my English class. I'm Mansi and today I'm going to teach you the chapter A Kabaddi Match. A Kabaddi Match yani ki kabaddi ka khel. Bachcho aap mein se shayad hi koi hoga jisne kabaddi kheli na ho ya dekhi na ho. Kabaddi zyadatar boys hi khelte hain par aajkal girls bhi kisse kam nahi hai. Sab cheez wo bhi khelti hain. तो कबड्डी का जो मैच होता है बहुत ही रोमांचक मैच होता है. आपने खेला होगा तो आपको पता होगा अच्छे से कि कितना इसमें मजा आता है. इसमें खेलने वाले को तो मजा आता ही है, देखने वाले को भी उतना ही मजा आता है. तो ऐसे ही कबड्डी मैच के ऊपर ये छोटी सी स्टोरी है, बड़ी ही अच्छी और मजेदार स्टोरी है. तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी अ कबड्डी मैच, चैप्टर नंबर 11 अ कबड्डी मैच. वी विल स्टार्ट विद द वार्मर. वार्मर सेक्शन में क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं. विच इज योर फेवरेट गेम, यानी कि आपका पसंदीदा गेम कौन सा है. आप इसमें अपने पसंदीदा गेम का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट, माय फेवरेट गेम इज हॉकी, या जो भी आपका फेवरेट गेम है. व्हेन डू यू प्ले इट, आप उसको कब खेलते हैं. आप सुबह खेलते हैं, शाम खेलते हैं, या फिर स्कूल में खेलते हैं तो किस वक्त खेलते हैं. तो आपको वो टाइम मेंशन करना है, मॉर्निंग, इवनिंग या एनीथिंग. हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड प्लेइंग इट, आप कितना समय बिताते हैं इस खेल को खेलने में. जो भी गेम आप खेलते हैं उसके लिए आधा घंटा, एक घंटा, तो इस तरह से आपको उसका टाइम लिखना है. और हैव यू एवर वन एनी मेडल, आपने क्या कभी इसमें कोई मेडल, कोई इनाम जीता है, तो उसका भी आप इसमें जिक्र कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे एक आंसर लिखा है, उसको आप इसके ही तर्ज पे आप अपने गेम जो आपको अच्छा लगता हो उसके बारे में लिख सकते हैं. तो फर्स्ट सेक्शन है विच इज योर फेवरेट गेम, तो यहाँ पे लिखा है माय फेवरेट गेम इज फुटबॉल, फुटबॉल मेरा फेवरेट गेम है. व्हेन डू यू प्ले इट, आप इसे कब खेलते हैं. तो देखिए आंसर लिखा है आई प्ले इट इन द इवनिंग विद माय फ्रेंड्स, मैं इसको शाम को खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ. फिर है हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड प्लेइंग इट, आप इसको खेलने में कितना समय बिताते हैं, कितना समय व्यतीत करते हैं. तो आई स्पेंड 2 hours डेली प्लेइंग इट, यानी कि मैं रोज दिन में 2 घंटे बिताती हूँ या बिताता हूँ इसको खेलने में. और जो लास्ट सेक्शन है इसका वो है हैव यू एवर वन एनी मेडल, तो अगर आपने कोई मेडल जीता है तो लिखेंगे, अगर नहीं जीता है तो आप क्या लिखेंगे. नो आई हैवंट एवर वन एनी मेडल इन इट. तो इसका यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो क्या है, यस आवर टीम हैड वन फर्स्ट प्राइज इन द इंटर स्कूल फुटबॉल मैच. तो यहाँ पे हमने टीम लिखा है क्योंकि फुटबॉल इज अ टीम गेम है ना, एक टीम का गेम होता है. फुटबॉल हुए, हॉकी हुआ, क्रिकेट हुआ, तो ये एक टीम का गेम होता है. इसमें आपके इंडिविजुअल भी मिलते हैं मेडल्स, लेकिन टीम को एक मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से आंसर लिखा हुआ है. तो ये आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं अपने फेवरेट गेम के बारे में. आइए आप देखते हैं चैप्टर को, कि चैप्टर में क्या दिया है. कबड्डी कबड्डी कबड्डी, रघु वॉक्ड इनटू रामपुर टेरिटरी इन द अदर हाफ. तो कबड्डी 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 ऐसा कहते हुए रघु जो है वो रामपुर की जो टेरिटरी थी उसके अदर हाफ. आप जानते हैं कबड्डी जब खेले जाता है तो 2 पाले होते हैं उसके, है ना. तो जो रघु था वो रामपुर की टेरिटरी में, यानी रामपुर के पाले में कबड्डी कबड्डी ऐसा बोलते हुए गया उसके अदर हाफ में. द प्लेयर्स ऑफ रामपुर टीम ट्राइड टू कैच हिम, जो रामपुर टीम के जो खिलाड़ी थे उन्होंने कोशिश की उसको पकड़ने की. दे केम अराउंड हिम, वो उन्होंने उसके चारों तरफ एक घेरा बना लिया. आपको एक इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से कबड्डी खेलते हैं, तो उसमें इस तरह से होता है. सो दे केम अराउंड हिम बट रघु वॉज केयरफुल, लेकिन रघु जो है बहुत ही केयरफुल था, पूरी सावधानी से खेल रहा था. ही मूव्ड कॉशियसली, पूरी सावधानी से वो इधर उधर जा रहा था. मंगला मूव्ड बिहाइंड हिम, मंगला जो था वो उसके पीछे आया. ही वॉन्टेड टू कैच हिम बाय हिज वेस्ट, वो उसको उसके वेस्ट, वेस्ट यहाँ पे WAIST, इसका मतलब होता है कमर. तो मंगला जो है रघु को उसकी कमर से पकड़ना चाहता था, बट रघु डग, लेकिन रघु ने ऐसा नहीं होने दिया, अपने को बचा लिया. मंगला कुड ओनली टच हिम, मंगला सिर्फ उसको छू सका. ही कुड नॉट होल्ड रघु, और वो रघु को पकड़ नहीं पाया, होल्ड नहीं कर पाया. The latter went quickly in his own territory quite safe. और इस तरह से latter यानी कि जो जिसका नाम बाद में लिखा होता है, तो यहाँ पे किसका नाम बाद में लिखा है, रघु का. तो रघु जो था वो तुरंत ही quickly एकदम अपने पाले में एकदम safely पहुंच गया. The supporters of the Chanpur team were delighted.
चैनपुर टीम के जो सपोर्टर्स थे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, यानी कि दो टीम थी रामपुर और चैनपुर, ऐसे दो टीम्स थी। तो रघु जो था वो चैनपुर टीम से था, तो चैनपुर टीम के जो जो उसका हौसला अफजाई करने वाले लोग थे वो बहुत खुश हो गए। मंगला वॉज आउट, चूंकि मंगला ने जो है रघु को छुआ था इसलिए वो आउट हो गया। ही हैड टू वेट टिल अ प्लेयर ऑफ द चैनपुर टीम वॉज आउट, तो उसको अब रुकना था जब तक कि चैनपुर टीम का एक खिलाड़ी बाहर ना हो जाए, तब तक उसको रुकना था। आप इसके नियम जानते होंगे इस खेल के, तो उसमें इस तरह के ही नियम होते हैं कि अगर एक खिलाड़ी किसी टीम का आउट हो जाता है तो वो तभी अंदर हो सकता है जब कोई दूसरा खिलाड़ी दूसरी टीम से आउट हो जाए। अब देखिए, नाउ इट वॉज टर्न ऑफ द रामपुर प्लेयर्स टू वॉक इन टू द चैनपुर टेरिटरी, तो अब जो है रामपुर के जो खिलाड़ी थे उनका मौका था कि वो अब जो है चैनपुर की टेरिटरी में, चैनपुर के पाले में जाए। असलम टुक द चार्ज, तो जो असलम था उसने ये बीड़ा उठाया। टच एट लीस्ट टू प्लेयर्स द रामपुर सपोर्टर्स डिमांडेड, तो रामपुर टीम के जो सपोर्टर्स थे जो उनका हौसला अफजाई करने आए थे वो लोग चिल्ला रहे थे कि कम से कम दो लोगों को छू के आना था कि दो लोग आउट हो जाए। असलम डिड नॉट डिसअपॉइंट देम, तो असलम ने भी उनको डिसअपॉइंट नहीं किया, उनको निराश नहीं किया। He touched Sheru and quickly went back to the territory. तो उसने जो है शेरू को टच किया, शेरू नाम का खिलाड़ी होगा, तो उसको छुआ और तुरंत ही अपनी टेरिटरी में वापस आ गया, अपने पाले में वापस आ गया। शेरू वॉज आउट, तो इस तरह से शेरू जो है वो आउट हो गया। मंगला वॉज बैक इन टू द गेम, और मंगला जो था वो फिर से गेम में वापस आ गया। एक खिलाड़ी बाहर गया तो दूसरी टीम का, तो मंगला जो है वो वापस आ गया। तो बच्चों आप मेरे ख्याल से सारा सीन जो है इमेजिन कर सकते होंगे कि कितना मजा आ रहा होगा इस गेम में। आगे क्या होता है ये हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। सो लाइक ऑलवेज वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ थिंक एंड टेल। वी हैव द ओरल क्वेश्चंस हियर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। You have to learn these questions. इनको आपको learn करना है और orally बोलना होगा। तो देखिए first question है, who walked first into the Rampur territory? यानी कि Rampur territory में सबसे पहले कौन जो है आया? तो इसका आंसर क्या है? Simple है, रघु, रघु आया था। Second question, who was Mangla? मंगला कौन था? He was the player of the Rampur team. Rampur team का एक खिलाड़ी था वो। Who made Mangla out? मंगला को किसने बाहर किया? रघु ने, तो रघु आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड रघु से व्हेन ही मूव्ड इनटू द रामपुर टेरिटरी, जब रघु रामपुर के पाले में, रामपुर की टेरिटरी में गया तो उसने, रघु क्या बोल रहा था उस वक्त? तो उसको वो बोल रहा था कबड्डी कबड्डी। नेक्स्ट है थिंक एंड राइट, यानी कि सोचो और लिखो। तो जैसे ये ओरल क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। Answer the following questions in a phrase or a sentence. So, एक phrase में, एक वाक्यांश में या वाक्य में इसके answers देने हैं। What was Raghu being forced to say? रघु को क्या चीज बोलने के लिए force किया गया, यानी कि उसके ऊपर दबाव डाला गया, तो उसको हरदी चूना ये कहने के लिए दबाव डाला गया। अब हरदी चूना का मतलब क्या है ये हम और आगे जानेंगे। Who took Raghu on their shoulders? रघु को अपने कंधों पे, शोल्डर्स यानी क्या होता है हमारे कंधे, तो कंधे पे किसने उठाया? द चैनपुर टीम्स सपोर्टर्स, यानी कि चैनपुर टीम के जो सपोर्टर थे वो, जो प्रशंसक थे, उन्होंने रघु को अपने कंधों पे उठा लिया। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द रामपुर सपोर्टर्स? रामपुर टीम के जो सपोर्टर्स थे उनकी, जो हौसला अफजाई करने आए थे लोग, उनकी क्या डिमांड थी? तो उनका ये कहना था टू टच एट लीस्ट टू प्लेयर्स सो दैट दे वुड बिकम आउट। तो उन्होंने कहा था असलम से कम दो खिलाड़ियों को छुए ताकि वे आउट हो जाए। नाउ सी आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन से नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन, देर इज नो नीड ऑफ एनी स्पोर्ट्स आइटम इन कबड्डी, डू यू एग्री इफ यस एक्सप्लेन। कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स आइटम की जरूरत नहीं होती किसी भी तरीके की कबड्डी के खेल, जिसके ऊपर ये चैप्टर है हमारा बेस्ड कबड्डी, तो इस गेम में कोई भी स्पोर्ट्स आइटम की जरूरत नहीं होती। तो क्या आप इस बात से सहमत है? डू यू एग्री? अगर हाँ तो इस बारे में बताइए। तो देखिए, यस देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्पोर्ट्स आइटम इन कबड्डी,
ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि कबड्डी में किसी भी तरह के स्पोर्ट्स आइटम, जैसे अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमें बॉल चाहिए है ना, क्रिकेट का बैट चाहिए, देन वी शुड हैव स्टंप्स आल्सो, कितनी सारी चीजें चाहिए। लेकिन ये कबड्डी का खेल ऐसा है कि इसमें हमें कोई भी चीज की, बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ओनली द प्लेयर्स एंड अ ग्राउंड इज नीडेड टू प्ले कबड्डी, सिर्फ खिलाड़ियों की जरूरत होती है और एक ग्राउंड चाहिए, मैदान चाहिए जिसमें कि कबड्डी खेली जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रघु बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द चैनपुर टीम? रघु किस तरह से चैनपुर टीम का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया? व्हाट डिड द सपोर्टर्स ऑफ द चैनपुर टीम डू आफ्टर द मैच? चैनपुर टीम के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने मैच खत्म होने के बाद क्या किया? तो देखिए इसका आंसर, रघु मेड ऑल द अपोनेंट प्लेयर्स आउट। रघु ने अकेले ही जितने भी अपोनेंट के अपोजिट में प्लेयर्स थे, खिलाड़ी थे, सबको एक साथ आउट कर दिया। द सपोर्टर्स ऑफ द चैनपुर टीम टुक हिम ऑन देयर शोल्डर्स। तो जो चैनपुर टीम के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने उसको अपने कंधे पे उठा लिया खुशी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु वॉज बींग फोर्स्ड टू से हरदी चूना, वाई? रघु के ऊपर दबाव डाला गया हरदी चूना कहने के लिए, तो वाई यानी कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ? रघु वॉज बींग फोर्स्ड टू से हरदी चूना टू एक्सेप्ट डिफीट। तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो अपनी हार मान ले, एक्सेप्ट डिफीट यानी कि हार मान लेना। सेइंग सो इन कबड्डी मैच मींस दैट द वन हैज एक्सेप्टेड डिफीट। ऐसा कहने से, हरदी चूना कहने से मैच के दौरान ये माना जाता है कि जो है, जो खिलाड़ी है उसने अपनी हार मान ली है, तो इसलिए उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा था रघु के ऊपर कि वो हरदी चूना ये कह दे। विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, गिव रीजंस। नाउ बेसिकली ये क्वेश्चन आपको खुद से ही करना होगा, करना चाहिए, बट यहाँ पे एक आंसर दिया है मैंने, आप चाहे तो आप अपने मन से इसके आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए, आई लाइक फुटबॉल मोस्ट, मुझे फुटबॉल सबसे ज्यादा पसंद है। इट इज अ लेस एक्सपेंसिव गेम, यानी कि ये बहुत महंगा गेम नहीं है, ये थोड़ा सस्ता गेम है, यानी इसमें सिर्फ एक फुटबॉल चाहिए हमको। इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग एंड इज अ नेशनल गेम, ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है और हमारा राष्ट्रीय खेल है। वी शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट इट, तो हमें इसको, इसकी सम्मान करना चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि क्रिकेट वगैरह है, इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, वैसे हमें फुटबॉल हुआ और हॉकी हुआ, इन सारे गेम्स को भी बहुत ही बढ़ावा देना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने देखा कि ये चैप्टर जो है कबड्डी के ऊपर कितना मजेदार चैप्टर है, हमने पढ़ा, इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर्स भी देखे हैं इसके। तो कोशिश कीजिए कि इसको आप डेली के डेली जो है, आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाते हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करें और समझ के लर्न करेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायी होगा समझ के लर्न करना। एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी थ्रू द आस्क ऐप, आस्क ऐप के थ्रू आप क्वेरीज अपनी डाल सकते हैं और जो है मैं उसके आपको आंसर्स भी बता सकती हूँ। तो बच्चों, आज का सेशन हमारा यही फिनिश होता है, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।